कि फिर सर्जरी क्या हो सकता है। ठीक है, एक बार सर्जरी होने के बाद दूसरी बार एक महीने में दो महीने में सर्जरी क्या हो सकता है, कहा हो सकता है एडमिट हो गए सर्जरी हो गई और डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके बाद आपको रेडिएशन की आवश्यकता है और दो महीने लगातार रेडिएशन की आवश्यकता है, ध्यान में रखकर आपको एक जगह पर रहने की आवश्यकता है, मैं दिल्ली में रहना चाहता हूं। अजीब चीज थी, सुबह 9:30 बजे दफ्तर में जाता था, नया मंत्रालय बैठा महाराष्ट्र जैसे एक स्टेज का काम कई सालों से किया था, वो पूरा देश का काम करना, समस्या अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है, इस पर ध्यान देना, ये सब करने की नौबत मेरे से इफेक्ट थी और इसलिए मैं 9 बजे दफ्तर में जाता था 9:30 बजे। अब 4 बजे रेडिएशन के लिए जाता था, रेडिएशन करने के बाद घर में आता, खा सकते थे कुछ लिक्विड डाइट जो होता था वो लिक्विड डाइट पर गए थे। मैंने मन बनाया था कि मैं इस जंग में कामयाब हूं, मैं कैंसर को डिफीट करूं, मैं कैंसर को मौका मिली। मुझे याद है कि मैं जब हॉस्पिटल में था अब इन्होंने मुझे कहा कि आप कैंसर, आपकी जिंदगी के विंडो हो गए, आपको कुछ परिवार की जिम्मेदारी होगी तो वो पूरी करी, मालूम नहीं कितने दिन आपको। मैंने पूछा कि भाई आपकी उम्र क्या है, उन्होंने कहा कि 30। मैंने कहा कि आपकी उम्र 70-80 होने तक मैं रह रहा हूं, घर छोड़कर जाने का मेरा स्वभाव नहीं है, स्टेशन को इस तरह का सारा कभी जिंदगी में होती है। तो ये जो रेडिएशन का जो कोर्स है वो पूरा किया, तकलीफ हो गई, दांत निकलने पर कई दांत खाने की समस्या थी, वह मैंने लड़ाई की और आज 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, वह दिन में कम से कम 14 घंटे हर दिन काम करता हूँ, संडे की घर में दिखाई देता है, ये सब में बदलाव लाना हो इस हिम्मत से ये जंग में आपको कैंसर के साथ लड़ाई करने की आवश्यकता है और ये जंग हम जीतेंगे ही जीते, ये समझकर।
आज मैं एक शब्द से कहना चाहूंगा कि जब हम लोग रास्ते में थे तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं और अपनी मूवी जो हमारी मूवी रिलीज हो रही है उसके लिए हम प्लान कर रहे थे कि और कहाँ प्रमोशन करेंगे और क्या क्या बोलना है मूवी के बारे में। बट ऑनेस्टली मैं जब यहाँ पे बैठा हुआ था और जितने रिस्पेक्टफुल जो हमारे चीफ गेस्ट थे और सब लोगों ने जितना भी कहा मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। मैम थैंक यू सो मच कि आपने आज मुझे थोड़ा सा बदल दिया। आज मैं आपसे बात करके और आपकी बातें सुन के आज मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ और यही कहना चाहूंगा। और मैं आज अपने जितने भी फैंस हैं ट्विटर में फेसबुक में इंस्टाग्राम पे आज मैं उनको जाके ये जरूर बोलूंगा कि हर इंसान अगर अपने आप को सुधार ले। हम ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत गंदगी है या मुंबई बहुत गंदा है या कहीं पे कुछ गंदगी है। मुझे लगता है कि हर इंसान अगर अपने आप को जिस तरीके से आप सब जब यहाँ पे आए होंगे तो ये सोच के आए होंगे कि मैं अच्छा दिखूं और मैं अच्छे कपड़े पहनूं और हम नहा लेते हैं और हम बाल बनाते हैं और हम अच्छा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं बाहर निकलने के लिए। सिमिलरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी आत्मा को अच्छा करें, हम अपने अंदर के इंसान को अच्छा करें। वो अंदर का शरीर भी है और वो होता है स्वस्थ रहने से। और मुझे लगता है कि हर इंसान अगर सिर्फ अपने आप को अच्छा कर ले तो अगर हम यहाँ जो बैठे हुए हैं वो ये सिर्फ सोच लें कि हम अपने आप को जैसे बाहर से नहा कर आए हैं वैसे अंदर भी होता है साफ रखें तो आज ये ऑडिटोरियम आज मेरी सोसाइटी एक सोसाइटी एक फ्लैट उसके अंदर रहने वाले लोग और ऐसे धीरे 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 करके पूरा हिंदुस्तान अगर अपने आप को अंदर से स्वस्थ रख ले अंदर से साफ कर ले तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हेल्प की कभी भी जरूरत पड़ेगी हमें। इनफैक्ट हम आगे लोगों को सिर्फ हेल्प करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजों को जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो हम सबसे बेसिक है अपने आप को हेल्दी रखना। सो उसकी शुरुआत मैं अपने आप से करता हूँ कि आज से मैं अपने आप को अंदर से और भी ज्यादा स्वस्थ रखूंगा। और मेरे गुरु जी हैं वो एक बात बोलते हैं स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज हैं मेरे गुरु हैं वो ये हमेशा बोलते हैं कि स्वस्थ रहो व्यस्त रहो मस्त रहो। अब मैं जिस कार के लिए आया हूँ जिस काम के लिए आया हूँ उसके लिए मैं एक मिनट दूंगा। हमारी मूवी है लव के फंडे जो 29th को रिलीज हो रही है एक हफ्ते बाद में। हम पूरी स्टारकास्ट है यहाँ पे, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। इंद्रवेश सर हैं इंद्रवेश योगी जो हमारी मूवी के डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है। गाने यूट्यूब में हैं, आप ट्रेलर देख सकते हैं, हम टीवी पे आ गए हैं। सो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि अच्छे काम पहले करें वो सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा टाइम मस्ती के लिए भी चाहिए तो हमारी मूवी जाके देखें जिसका नाम है लव के फंडे 29th of July को रिलीज हो रही है गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी तरह जुड़ा रहे और संबंध हमारे और आपके बीच का हो तो प्यार का भावनात्मक संबंध हो। प्रशासनिक संबंध तो मैं पिछले 16 साल से गुजार रहा हूँ। चाहता हूँ आगे वाली बची हुई जिंदगी में हमारा और आपका निष्ठा यहाँ से नहीं और उनके फिल्म देखें। जय महाराष्ट्र। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हौसला ने मेरा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मुझे केवल एक सीख मिली यहाँ से कि प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर बॉडी बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन। थैंक यू सो मच।